बहुत एक्चुअली आई वॉज इन द कंट्री वेन इट हैपेंड सो एंड जब यूजली आप काम पे बाहर होते हो तो आप इतने सोशल मतलब मैं इतना सोशल मीडिया पे उस वक्त थी नहीं तो सॉरी बट आई थिंक आई गॉट टू नो अ डे लेटर एंड इट्स आई मीन वॉट कैन आई से इट्स सो डिस्टर्बिंग एंड इट्स एंड आई एम विद द गवर्नमेंट एंड आर फिल्म फ्रेटर्निटी for whatever stands they are taking. So yeah, it's very shameful. Hello. जी बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ आना मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है सो इनफैक्ट आई एम वेरी अनवेल सॉरी यहाँ इसीलिए मैं आज यहाँ आना चाहती थी इस इवनिंग का हिस्सा होना चाहती थी सो आई फील वेरी गुड अंदर क्या होने वाला है तो फ्यूचर तो नोबडी कैन प्रिडिक्ट सो आई होप इट विल बी अ ग्रेट इवनिंग आई गेट टू क्लैप फॉर सम ब्रिलियंट पीपल एंड एंजॉय द वॉल्स I think it's like you said it's extremely prestigious and I think her actor kabhi apni puri career mein chahe chahta hi hoga ki unko ek bar ye award mile so yeah kahan wo ek hi saath sign ki thi sari last year यही दैट आई गेस हर किसी चीज़ का एक टाइम होता है जब जिस टाइम पे जो होना होता है आपकी लाइफ में वैसे ही होता है सो आई एक्चुअली वॉन्ट टू टेल ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर ऑल्सो डोंट हरी इन टू थिंग्स डोंट रश इन टू थिंग्स पुट इन योर हार्ड वर्क बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क कीप वर्किंग हार्ड एंड योर डेस्टिनी विल रिवील इटसेल्फ बहुत एक्चुअली आई वॉजन इन द कंट्री वेन इट हैपेंड सो एंड जब यूजली आप काम पे बाहर होते हो तो आप इतने सोशल मतलब मैं इतना सोशल मीडिया पे उस वक्त थी नहीं तो सॉरी बट आई थिंक आई गॉट टू नो अ डे लेटर एंड इट्स आई मीन वॉट कैन आई से इट्स सो डिस्टर्बिंग एंड इट्स एंड आई एम विद द गवर्नमेंट एंड आर फिल्म फ्रेटर्निटी for whatever stands they are taking so yeah it's very shameful thoda sa aur bhi ek alag sawal hai surgery ke bare mein aur sare troll kar rahe us bare mein kuch clarification ji aap the wahan pe kaun log no I want to answer this it's fine jin logo ki aap baat kar rahe hain wo mujhe lagta hai phantom ghost log hai jo apne screens ke piche chup ke वो सब लिखते रहते हैं जो मैं किसी को मैं अगर आप जानते हो किसी को या आप थे मेरे साथ अगर आपने कुछ देखा मुझे ऐसा कुछ करते हुए तो मुझे बोलिए तो ऐसे क्वेश्चन का मैं ज़रूर आंसर दूंगी आपको पर यह बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है थैंक यू एनीथिंग एल्स थैंक यू इंडस्ट्री के पिता रह चुके हैं इंडस्ट्री के पिता रह चुके हैं दादा साहब फाल्के और ये उनके नाम से ही बहुत बड़ा अवार्ड हो जाता है दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड ये मुझे भी मिला था और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और रिस्पेक्टफुल अवार्ड है और सब कुछ बढ़िया है इसमें बस दादा साहब फाल्के को बहुत बहुत मेरी तरफ से श्रद्धांजलि प्रणाम बहुत ही ग्रेट आदमी थे जिन्होंने इंडस्ट्री के फिल्म को जन्म दिया जिन्होंने सोचा कि फिल्म होनी चाहिए और वो द फर्स्ट वन टू मेक द फिल्म तो उनको मेरा बहुत बहुत सलाम उन्हीं के वजह से हम सब यहाँ हैं Thank you.
I can't hear you. What will you say for Dada Saheb Phalke Award? How do you feel being a part of this prestigious award function? I feel absolutely honored and thrilled to be here. Dada Saheb Phalke, the person who started this industry, to have an award on his name and to be able to be here, be nominated, I think is a huge honor itself. So I'm very excited. I'm looking forward to a great evening. बहुत ही संवेदनशील सवाल है ये और बहुत सारी फीलिंग्स और बहुत सारा एग्रेशन एक साथ जनरेट करता है. बात सिर्फ अटैक या सिर्फ जो हैपनिंग हुई उसकी नहीं है. वो सी सैड दुखद ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत छोटी हो जाती हैं. बहुत ज़्यादा रेज पैदा करने वाला इंसिडेंट है ये, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें पास्ट में हुई हैं. बट दिस वॉज आई थिंक बोलते हैं ना, पानी हद से ज़्यादा ऊपर बढ़ गया है. सो इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, दैट्स ऑल आई कैन से. आई थिंक आई रिमेम्बर जब ताज में अटैक हुआ था, हाउ आई फेल्ट एज अ चाइल्ड, एंड टुडे आई थिंक इट्स अभी भी गूज़बम्स आ जाते हैं. सो आई जस्ट रियली विश एंड अपील कि हम एज इंडिविजुअल ज़रूर कुछ करें. बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो ऑनलाइन पॉसिबल है टू हेल्प एंड सपोर्ट एवरीवन. ये पर्पस सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन आई कैन प्रॉब्ली जस्ट अपील टू द गवर्नमेंट टू रियली डू समथिंग अबाउट इट. सी जब आप आर्टिस्ट एंड एक्टर्स की बात करते हैं, जब आप टेररिज्म और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, ये बहुत ही सेपरेट चीज़ें हैं. लेकिन ऑब्वियसली लाइंस ऐसे टाइम पे ब्लर इसलिए हो जाती हैं कभी कभी, बस एज इंडिविजुअल्स हर चीज़ को आइसोलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड ऐसे टाइम पे बहुत सेंसिबल रहना भी डिफ़िकल्ट है. सो आई थिंक ये बहुत ही इंस्टिंक्टिव एग्रेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में बाहर आ रहा है. बिकॉज आई बिलीव ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में ही सारे जितने हैं या जितने मुस्लिम्स हैं फॉर दैट मैटर वो टेररिस्ट हैं. दैट्स नॉट द केस. बट बिकॉज जब ऐसा कुछ होता है, सम और द अदर वे इट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स, बट इट्स सैड. Yes, ready. Thank you. पास जाना पड़ेगा कि यहाँ से चलेगा. तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में हमने बहुत टाइम से सुना है और हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड अवार्ड है. सोचा नहीं था हमें कभी ये मिलेगा, एंड वी आर रियली रियली ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. और आप सबके प्यार की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बिल्कुल, अगर फैंस नहीं होते, जो आपका जो सपोर्ट है उसकी वजह से ही हम अभी यहाँ पे खड़े हैं. तो ये अवार्ड सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए है. ये सबका अवार्ड है. थैंक यू फॉर योर लव. थैंक यू. यस, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अब ये मिलने के बाद हम इतना ज़्यादा इंकरेज हुए, हमें और ज़्यादा कुछ करने का मन है. और अभी लग रहा है हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है इससे. सो इट्स अ न्यू जर्नी. यस, बिल्कुल बिल्कुल. सॉन्ग आज के लिए लेट्स डू, या अगला भी गला पहले वी ऑल सिंग टुगेदर. आप लोग भी गाएंगे, सुनाई देना चाहिए. 1 2 3. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया.
संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये